नमस्कार साथियों, आइए मीरा की चौपाल में। प्रधान तो सुनते नहीं, कहने कहते मिलेगी मिलेगी, मिलता नहीं। तो हमारा नाम कटवा दिया है प्रधान सचिव, मेरी कॉलोनी नहीं दिया, कहता तुमको न चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मीरा जाटो है और मैं खबर लहरिया संपादक हूँ। आज मैं चित्रकूट जिला के करबी ब्लॉक के खो गांव में बैठी हुई हूँ। मीरा की चौपाल यहाँ पर मैंने आज लगाई हुई है। इस गांव में एक साल से लगभग आवास के को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के आवास बने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पिछले साल आवास तो मिल गए, एक किस्त भी मिल गई और उन्होंने एक किस्त की आवास बनवा भी लिए, लेकिन उसके बाद उनको अपात्र बताया जा रहा है। ये किस कारण से है ये हम आज जानेंगे इस चौपाल में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके आवास बने हैं, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है और उनको अभी तक मजदूरी नहीं आई है, तो हम उनसे भी बात करने वाले हैं। तो हम आज शुरू करते हैं मीरा की चौपाल। मीरा की चौपाल में आप सबकी समस्याओं को दिखाया जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? हमारा दूसरा किस्त नहीं आया है। क्यों नहीं आया? अब हमें पता नहीं है क्यों नहीं आया। एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन डाली है? वीडियो की है, वीडियो का है, जांच में आएगा आएगा, फिर नहीं आया। अब फिर इसके बाद जांच नहीं आया। एक बार हर बार डालते रहे महीने में। पहले भाई एक था किस्त आई है तो हमारे जांच के बाद आई है, तो फिर बाद में क्यों अपात्र कर दिए गए? तो कैसे पता आपको कि लोगों ने अपात्र में लिखवा दिया है? लिखवाए हैं, जात रहे हैं, एप्लीकेशन देते रहे हैं। मारा था तो हम डीएम के पास गए और बीडीओ के पास गए, इस डीएम के साथ गए। सचिव प्रधान हमारे साथ नहीं गए, वो कहते थे कि मिलना पैसा, और अभी तक हमें कोई सोचना नहीं आई। छिन मछिन कह रहे हैं तुम्हारी जांच आएगा तब पैसा मिलेगा, जांच आएगी अब पैसा मिलेगा, तो ना जांच आई और कम से कम 20 एप्लीकेशन हम डीएम के पास डावा, बीडीओ के पास डावा, सचिव के पास गए हैं, वो चबा के दौरा है, कहा यहाँ का लेने आई हो, तड़तड़ा के दौरा है मसक के, तो उसे लड़ाई कीन है। वो कहे आपका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा दोगे क्या? मैं कहा पैसा नहीं है तुम्हें देखा। पहले इनता के शिकायत थी, 6-6 फुट उठा ली ने, 6-6 फुट में पन्नी डाए पारे हैं, पहले पैसा नहीं मिला था, तो अब का करी बताओ? तो अब बताओ का करी? ऐसे आगे वादा अधिकारी के पास कम से कम 2-2 हज़ार रुपया हम काढ़ मांग के फूंक डारा हमें जहाँ किराया में, अब कोई सुनाई नहीं है तो का करी? 40 हमको मिल गई है, 40 के बाद नहीं मिली। 40 हज़ार में उठा लिए 6-6 फुट, उसके बाद क्यों नहीं मिला? अब उसके बाद नहीं मिले, डीएम के पास सब लोग के पास गए थे, कोई हमारा जवाब नहीं आ, ये जवाब हमारा क्यों नहीं आ रहा? किस लिए प्रधान है? प्रधान इसीलिए बनाया गया है कि इस सब के गांव की सहयोग दें, क्यों नहीं सहयोग दे रहे हो हमारा घर गिरवा करके? लड़का बच्चा कहाँ बेड़े? प्रधान से 1000 बार कहा, प्रधान क्यों नहीं जा रहे साथ में? पैसा हमारा क्यों नहीं दिवा रहे हैं? पन्नी डार डार के कस बार रहे हैं, पन्नी बांधर फाड़ा रहती, लड़का बच्चन के खपड़ा गिर जाती, खोपड़ी फट जाती, कहाँ लड़का बच्चा बैठा है? मेरा पुता हुआ है नान बिट्टी, उसके कॉलोनी नहीं है, छोटे छोटे बच्चा, तीसर प्रधान हो गया और उसको नहीं मिला, उसको समो गिरा है। तो कैसे वो रहती है? छानी बानी है तो छानी में रहती है। हमारी कॉलोनी क्यों नहीं आती, शिकायत करते हैं लोग, जबरदस्ती यानी धावा बोलते हैं, बार बार एप्लीकेशन देते हैं 6-7 लोगों को। हमने सांसद के पास गए, उन्होंने कहा आपकी कॉलोनी आएगी, मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ के लोग जो कुछ दबंग हैं और कुछ वो लोग हैं शिकायत करता, वो हमेशा एप्लीकेशन हम लोगों के खिलाफ देते रहते हैं। आप जाँच करवाइए अच्छे से, किसका घर है, कितनी किसकी ज़मीन है, किसका घर, हम 3 भाई हैं, अब हमारा घर देख लीजिए आधा गिरा पड़ा है, और एक किस्त मिली है वो भी स्टाफ लगा था बैंक में, एक साल बाद मिली। मैडम जी, अधिकारी को काम है ना, ये प्रधान का काम है ना, इनको खोल के बोलना चाहिए कि ये पात्र हैं, आप दीजिए, हम जिम्मेदार हैं इनके पास, और जांच कराई जाए, क्यों नहीं जांच कराते हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों को कॉलोनी की मजदूरी नहीं मिली है, तो उनसे भी बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, मजदूरी नहीं मिली है। मेरा नाम बनी है। आपके नाम बनी है? हाँ, सखिया के नाम बनी है। मजदूरी नहीं मिली है। अब जितनी गवर्नमेंट से खुली हो, हम ना पढ़े ना लिखे ना हम कोई पढ़े ना जानी, कुछ तो
बताया होगा कि कितनी मजदूरी आती है? हम नहीं जानी था, जो प्रधान बता दी सचू तो दई दी तो दई दी, नहीं हम नहीं जानते। तो पूछा नहीं है प्रधान से? प्रधान से पूछी थे कहीं आई आई, तो प्रधान कहा था आई अब आवत है ये नहीं, हुआ जाओ कहीं लाग गए हुआ जाए थे लौट आई थे। तो मजदूरी न आने से क्या दिक्कत हो रही? अरे दिक्कत हो रही कि न छपाई हो रही, नया गुआ हूँ लिंटर पर रहा दरवाजा भुंडी आ गए। मजदूरी न मिलने से मतलब कॉलोनी पूरी नहीं बन पा रही? हाँ, हम इनके साथ डीएम के लगे जा गाँव बी डी ओ के सी डी ओ के लगे अप्लीकेशन दिया, वो ये कह रहे हैं कि आपात लोगों का आवास देकर यहाँ तुम शिकायत कर रहे हो, हम जानते हैं प्रधान का को जो या यहाँ घूस लेकर पात बना देते हैं, हमको भगा दिए इनको भगा दिए, इनसे पूछ लो कि साथ मरना गए हो हम तो कहे, हम कहते हैं कि मतलब उन सात लोगों का आपात क्यों बना दिया, उनका अधूरा घर पड़ा है उनका पैसा दिया जाए, तो जैसी समस्या ही बताती हैं वैसी समस्या अधिकारी हमसे बताते हैं, हमारे हाथ में होते तो हम इतने दिन इनका पैसा दवा देते, हम तो कही थे अब वो वीडियो को लाइके यहाँ आपात करवा दिए जो लोग उन लोगों को अभी बतावें। तो आपको भी पता होगा ना कि किसने कटवाया है, नाम कटवाने के लिए तो वो गया ही होगा आपके पास या प्रधान सचिव के पास आया होगा नाम कटवाने? नहीं तो सचिव के पास हमारे पास वो सब जानते हैं कि किस लिए नाम कटवाया है, अपने अपने लिए मरते हैं कि हमको मिल जाए, उनका ना मिला तो ईर्षा दोष में नाव कटवा दिया है, अब मैं प्रधान का दोष है, प्रधान तो कहत है सब अधिकारी से कहित है कि मतलब इन जाऊँ आपात कहे हो इन्हें पात बनाओ इनको पैसा दिलाओ, अब वो कहते हैं रह जाओ रह जाओ रह जाओ, तो अब बताओ हम का करें, तो अब बताओ मोरे हाथ में हो तो मैं इन्हें पात बना कर दे दो, मोरे ऊपर तो बैठी अधिकारी। नहीं ठीक है अधिकारी हाँ? बैठे हैं लेकिन हाँ? एक जो जिम्मेदारी गांव की आपकी है। हाँ गांव की जिम्मेदारी है, अगर ये पात्र नहीं थे तो पहले कौन हिसाब से उनको दे दिया था, पहले पात्र थे ये और आप बीच में जब पैसे देने की बात हो रही तो आप पात्र हो गए। हाँ पैसा देने के बाद कटवा दिया, वीडियो को लेके कटवा दिया, जाऊँ आदमी कटवाया है उसको आप सब कटवाया है आपको तो पता होगा ना, नहीं गांव के लोग आके कटवा दिन, तो आप लोग आप प्रधान होने के नाते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि क्यों कटवाया है नाम उसने? नहीं कार्रवाई की न गए, कार्रवाई सब है कार्रवाई, अब गांव में जो है आतंक फैलाते हैं ज्यादा, वीडियो को मारा पीटा वो किन तो वीडियो वहाँ कई दिन रिपोर्ट अपोर्ट। किसने मारा था वीडियो? अरे गांव के लोग वहाँ पच्छू टाला के गए, कुछ बामहन कुछ कुम्हार कुछ चमार जाके हुआ वीडियो को मारा, उनका कागज पत्र फाड़ा रहे तो वो शिकायत तो कार्रवाई करी है, अधिकारी का मानना कोई मामूली चीज है। जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है और उसको धमकी दी जाती है घरों में जाके, सिर्फ इसलिए कि हरजन है उसके ऊपर दबाव है, और वही कोई दबंग होता तो सारा काम आसानी से होता, और प्रधान कहता भी है कि भाई सब रखो धीरे धीरे सबको होगा, और जो जिनका नाम कटवा दिया जाता है उसमें नेतागिरी हो जाती है। लाभ सबको कॉलोनियाँ आई हैं, चाहे वो छोटी जात में हो चाहे बड़ी जात में हो, सबको दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ लोग छूटे भी हैं जिनके घर कच्चे हैं अभी तक नहीं बन पाए हैं, आपात लोग जो हैं वो अधिक उपद्रव मचा रहे हैं, प्रधान को समय से अपना कार्य नहीं करने दे रहे हैं। किस तरह का उपद्रव आपात लोग मचा? पर तो यही कि जैसे एक एक घर में किसी को दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच कॉलोनियाँ दे दिया है, तो उसी बीच में कहते हैं उसको चार क्यों दे दिया है, हमको देना चाहिए उनको एक देना चाहिए या दो देना चाहिए, चार की चारों क्यों दे, जब उनका नाम लिस्ट में है चारों का तभी तो चार आए, उनको दे दिया उनकी बराबर कर दिया, इससे जलन के मारे ईर्ष्या दोष में जो है लोग जो है परेशान हैं। अब तक की जो चर्चा में समझ में आया है कि प्रधान ढंग से काम नहीं कर पा रही है, लेकिन पहली बात तो वो महिला है, दूसरी जाति से दलित है, इस वजह से लोग भी उनको दबाने में लगे हुए हैं कि सरकार अगर लोगों को सुविधाएं देना चाह रही है दे रही है देने की बात कर रही है तो पूरी तरह से उन सुविधाओं को मिलना चाहिए, ना कि पहले पात्र बताकर अब बीच में उनको अपात्र कह रहे हैं, ये कहाँ का रूल है किस तरह का नियम है। तो हम अपनी मीरा की चौपाल को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सब लोगों ने मीरा की चौपाल में आए अपनी बात को खोलकर रखा, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
और एक बार फिर आप सबसे नमस्कार। तो देखते रहिए मीरा की चौपाल सिर्फ खबर लहरिया पर।